हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि सेकंड चांस किन किन को मिला है और उन सभी के पावर्स और एबिलिटीज का ब्लैक लैंटर्न बनने के बाद या फिर ब्लैक लैंटर्न से सर्वाइव होने के बाद उनके पावर्स पर उसका क्या असर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं उसी व्हाइट लैंटर्न को जो कि एक गड्ढे में गिरी हुई थी, जो कि अभी सिल्वर सिटी न्यू मैक्सिको में थी। वहां पर दो लोग यानी कि दो शेरिफ उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों ही नाकामयाब साबित हो रहे थे। तब वो दोनों ये फैसला लेते हैं कि बाकी लोगों को बुलाकर उनकी मदद ली जाए, लेकिन तभी उन्हें ऊपर कुछ लाइट्स चमकती हुई दिखती है। और तभी हम देखते हैं स्टार सेफायर, जो कि कैरल फेरिस थी, जिसकी पावर्स थी लव, सिनिस्ट्रो जो कि सिनिस्ट्रो कॉप का लीडर था, जिसकी पावर थी फियर, और हैल जॉर्डन यानी कि ग्रीन लैंटर्न जिसकी पावर थी विल। वो उन तीनों को देखते हैं और सिनिस्टर को देखते ही एक शेरिफ उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन एक कार बनाकर वो उसी पर वो फेंकने जा रहा था, लेकिन तभी एक फॉर्म क्रिएट करके हेल जॉर्डन उस कार को तोड़ देता है। तब सिनिस्टर उसे जवाब देता है, मैं तो सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा था तुम्हारी लोकल पुलिस फोर्स से उन्हें अनथ्रेटन करके, और अगर उन्होंने अटेंशन पे किया होता तो उन्हें ये जरूर दिखता कि मैं यहाँ पर उन्हीं की दुनिया बचाने आया हूँ। जिस पर कैरल कहती है, हमने एक टेम्पररी ट्रूस बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अर्थ पर वेलकम है सिनिस्ट्रो। जिस पर वो कहता है कि मैं कब का अपनी कॉप के साथ यहाँ से जा चुका होता सैफायर, लेकिन ये अभी भी यही पर है। जिस पर वो पूछती है कि ये क्या है, तब ग्रीन लैंटर्न यानी कि हेल जॉर्डन बताता है कि ये व्हाइट लाइट लैंटर्न है। जिस पर वो कहता है, लेकिन ये तो वो एंटिटी थी जो कि तुम्हारे वर्ल्ड के सेंटर से अनअर्थड की गई थी, और तब व्हाइट लाइट स्पार्क हुई और लोगों को रेजरेक्ट कर दिया। तब ग्रीन लैंटर्न कहता है, हाँ इसी व्हाइट लाइट ने एक्वामैन और बाकियों को भी रेजरेक्ट किया। तब वो आगे कहता है, और रेजरेक्ट करने के बाद वो गायब हो चुकी थी। जिस पर कैरल कहती है, और शायद वो उसके बाद पावर बैटरी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो। आगे सिनिस्टर कहता है, तो लगता है कि व्हाइट लैंटर्न फिर से अर्थ पर आ चुका है। जिस पर हेल जॉर्डन उससे कहता है, तुम यहाँ पर मुझे लेकर नहीं आए, इसका मतलब तुम इसे चाहते थे सिनिस्टर, और तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि तुम इसे उठा नहीं पा रहे। इस पर मुंह बनाते हुए सिनिस्टर कहता है, तो अगर तुम उठा सकते हो तो उठाओ। तब ग्रीन लैंटर्न अपना पूरा जोर लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब साबित होता है। तब फेरिस कहती है कि क्या ये स्वॉर्ड इन स्टोन है। जिस पर सिनिस्टर पूछता है कि ये क्या माजरा है। तब एक फॉर्म क्रिएट करके वो किंग आर्थर की वो कहानी बताता है, जब वो स्टोन में से स्वॉर्ड निकालता है, और वो स्वॉर्ड वही निकाल सकता था जो कि उस लैंड का ट्रू किंग हो। इसका मतलब ये था कि व्हाइट लैंटर्न एक स्वॉर्ड है, और अब इसका किंग आर्थर ढूंढना है यानी कि व्हाइट लैंटर्न। और व्हाइट लैंटर्न का नाम लेते ही हमें डेड मैन दिखाया जाता है, जो उस रिंग को अपने हाथ में लिए कह रहा था, मैं मर चुका था। व्हाइट लाइट ने 12 लोगों को रिजरेक्ट किया, अच्छे और बुरे। ज्यादातर लोग मुझे अच्छा ही कहते थे जितना मैं कह सकूं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं लगता पूरी तरह से। और तभी हम देखते हैं कि वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था, जिस पर वो रिंग से कहता है, तो तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। और तब वो बीच समुंदर में एक शिप में था, जिस पर वो कहता है, मैं मर गया था लेकिन मैं मजबूरी में घोस्ट बन गया और पूरी अर्थ पर घूमना पड़ा मुझे, और अब जिंदा होने के बाद भी मैं फोर्सफुली ही एक इनविजिबल मैन बन के पूरी अर्थ पर घूम रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं घोस्ट ही ठीक था, और जो भी वापस आए उनमें से किसी को भी मेरे जैसे व्हाइट रिंग हाथ में पहनकर यहाँ से वहाँ टहलना नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं ही क्यों, हम ही क्यों, क्यों दूसरे नहीं। तभी आवाज आती है कि ये नहीं, दूसरी वाली। और तब हम देखते हैं कि उस शिप पर कुछ लोगों ने कुछ बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था, जिस पर एक आदमी कहता है कि ये नहीं, ये वाली, इसके साथ में कुछ वक्त बिताना चाहूंगा इससे पहले कि तुम इसे ले जाओ। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस आदमी के दिमाग में हैवानियत का नंगा नाच अपनी चरण सीमा पार कर चुका था। भले जिस पर वो लड़की उसे भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे अपनी मम्मी के पास जाने दो, जिस पर अपने वासना के नंगे नाच के आगे उस लड़की से वो कहता है, मम्मी नहीं, यहाँ पर डैडी खड़े हैं। और इतना सुनते ही डेड मैन अपना आपा खो देता है, और तब वो आगे बढ़ता है ये कहते हुए कि उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन व्हाइट रिंग उसे हिलने तक नहीं देती। जिस पर वो कहता है कि तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो, तुम मुझे यहाँ पर ले क्यों आई, अगर मैं कर ही नहीं सकता कुछ तो यहाँ पर आने का फायदा ही क्या है, व्हाइट लैंटर्न बनने का फायदा ही क्या है। और तभी वो आदमी उस लड़की को उसके आंखों के सामने से घसीटते हुए ले जा रहा था। तब वो रिंग से पूछता है, अगर तुम्हें मुझे यहाँ पर मदद करने के लिए लाना ही नहीं था तो तुम मुझे यहाँ पर ले ही क्यों आई, और अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मेरा और एक्वामैन की, और वो उन सभी पर हमला करने लगते हैं।
और उन दोनों को देखते ही वहाँ के लोग उन पर फायरिंग करने लगते है। लेकिन मेरा उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहती है, जो भी बच्चों को हर्ट करता है उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ता है, और अपनी वाटर कंट्रोलिंग पावर के साथ वो उन सभी को मार देती है। तब एक्वामैन मेरा से पूछता है कि सिविलियन शिप से कितने गायब हुए थे मेरा। तब वो कहती है 15, और यहाँ पर कितने हैं? लेकिन दूसरी शिप से उन पर अटैक होने लगता है। तब मेरा कहती है, लगता है स्केवेंजर्स के पास अपने दोस्त है। तब एक्वामैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है, तो हमारे पास हमारे भी है। और तब वो एक सी क्रिएचर को समन करता है, लेकिन उसे देखते ही मेरा कहती है, आर्थर तुमने आखिर समन किसको किया है? और तभी हम देखते हैं कि वो जायंट स्क्वाड था। ये वही जायंट स्क्वाड था जो ब्लैक लैंटर्न होने के दौरान एक्वामैन के लिए काम करता था, और एक्वामैन ने जिंदा होने के बाद भी उसी को समन कर लिया था। तब उसे देखते हुए एक्वामैन भी कहता है, ये तो जायंट स्क्वाड है लेकिन मैंने इसे समन नहीं किया। इस पर वो कहती है, वो तो मर चुका था ना। लेकिन तब तक जायंट स्क्वाड उस जहाज को निगल चुका था। तब वो कहती है कि उसे रोको आर्थर, वो सबको मार रहा है। जिस पर आर्थर कहता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। और तभी एक आदमी उन पर हमला करने के लिए एक गन उनकी तरफ मोड़ता है और कहता है, हम सी पर राज करते हैं, तुम नहीं। लेकिन तभी एक मरी हुई शार्क उसको अपना निवाला बना लेती है। तब उसकी तरफ देखते हुए डेडमैन कहता है, वो डेड सी लाइफ को कमांड कर रहा है, जैसा कि वो ब्लैक लैंटर्न होने के दौरान कर रहा था। लगता है कि यहाँ पर कुछ तो रॉन्ग है, और अगर मैं इसे नहीं रोकूंगा व्हाइट रिंग, तो एक्वामैन को रोकेगा कौन? क्या कोई और है जो इसे रोक सकता है? और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वेस्ट पोर्ट पर, जहाँ पर एक आदमी मछली को काट रहा था, और तभी वो न्यूज चैनल देख रहा था जहाँ पर एक्वामैन और मेरा ने उन बच्चों को बचाया था। जिस पर वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है, एक्वामैन वापस आ चुका है, ये अमेजिंग बात है ना? तभी उस आदमी की आंखों में एक चमक उठती है और वो उसी नाइफ के साथ उस आदमी का गला काट देता है, और उसी के साथ खड़ी हुई औरत का भी, और वहाँ के सभी लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में फायरस्टॉर्म एक दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो प्रोफेसर स्टेन से मिलना चाहता था, और यहाँ पर अभी भी उसके साथ जेसन रज मर्ज होकर फायरस्टॉर्म बना हुआ था। यहाँ पर वो कहता है कि वो आखिर है कहाँ पर? इस पर रॉनी कहता है, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनका माइंड तो रीड नहीं कर सकता जब वो मेरे साथ फ्यूज ना हो, लेकिन मैं उन्हें बुला जरूर सकता हूँ। जिस पर वो कहता है, तुम उन्हें बुला सकते हो जैसे कि तुम हमेशा बुलाते हो रॉनी। जिस पर रॉनी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तब जेसन कहता है, मैं फायरस्टॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम मर चुके थे लेकिन वो मैट्रिक्स मेरे ऊपर आकर गिरा आसमान में से। जिस पर रॉनी कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं फायरस्टॉर्म बनना चाहता हूँ जेसन, स्पेशली तब जब तुम्हारे जैसा कोई मेरे सिर के अंदर हो। और तभी वो उसे वो मेमोरीज दिखाने लगता है कि कैसे वो फायरस्टॉर्म बना। जब एक्सप्लोजन प्रोफेसर स्टेन के लैब में हुआ, उसके दौरान मैं और प्रोफेसर दोनों एक साथ मर्ज हो गए। ये वियर्ड था लेकिन कूल भी था। मैं उड़ सकता था, एलिमेंट को ट्रांसम्यूट कर सकता था जैसे कि प्रोफेसर मुझसे कहते थे, लेकिन ज्यादा देर तक ये खुशियां बरकरार नहीं रही। तुम्हारे पास अपना फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स है तो तुम अपना पार्टनर क्यों नहीं चुन लेते? मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि तुम किसे चुनते हो, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। और आगे जेसन कहता है, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तब रॉनी कहता है, वो जा चुकी है जेसन। इस पर जेसन कहता है, तुम वापस आ गए, मार्शियन मैनहंटर, हॉक, कैप्टन बूमरैंग, तो जेन क्यों नहीं? इस पर रॉनी कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। देखो, तुम राइट की तरफ सोचो और मैं लेफ्ट की तरफ सोचता हूँ, तो शायद हम दोनों सेपरेट हो जाए। और दोनों ट्राई तो करते हैं लेकिन फिर से वो एक ही साथ मर्ज हो जाते हैं। तब अंदर से आवाज आती है प्रोफेसर स्टेन की, जिस पर वो पूछता है कि आपको वो तरीका मिला जिससे हम दोनों अलग हो पाए? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कर पाया रोनाल्ड। और तभी उन्हीं के साथ खड़ा था एटम, जो कि रे पाल्मर है, जिसकी पावर से उसका खुद का डिजाइन किया गया बेल्ट, जो कि उसे एबिलिटी प्रोवाइड करता है श्रिंक होने की, और इसी के साथ वो डाटा लेंस के थ्रू ट्रैवल भी कर सकता है। और तब वो उनसे कहता है, प्रोफेसर और मेरे पास कुछ बैड न्यूज है। तभी नॉर्थन पोलर कैप पर, जो कि मार्स पर है, वहां पर हम देखते हैं मार्शियन मैनहंटर को, जो एक बड़ी सी चट्टान उठाकर एक जगह पर रख देता है, और वहां पर रखकर वो अपनी एनर्जी विजन्स के साथ उसे पिघलाने लगता है। और तभी वहां पर एक छोटा सा पौधा फिर से जी उठने लगता है, और उसे देखते हुए वो कहता है, तो इसकी शुरुआत हो ही गई। लेकिन तभी वो फिर से ब्लैक लैंटर्न बनने लगता है, और तभी उसे एक विजन दिखता है जिसमें उसने एक आदमी का गला पकड़ रखा है और पास ही में एक औरत लेटी हुई है। तब वो कहता है, मेरे हाथ प्रोफेसर एडल्स के थ्रोट पर थे, उनके गले पर, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। और जो लड़की वहाँ फ्लोर पर थी
वो कौन थी? एडल अकेले थे जब उन्होंने मिस्टेकनली मुझे मार्स से टेलीपोर्ट कर लिया था, और अब मुझे ये पता लगाना है कि उस विजन में जो लड़की थी वो कौन थी। मुझे ये ढूंढना ही होगा। और वो एक तरफ उड़ते हुए जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉकमैन और हॉक गर्ल को, जो कि अपने बोन्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर वो कहता है, क्लॉ ऑफ हॉरस मैं कई बार पहन चुका हूँ, लेकिन ऐसी पावर अपने कर्स के दौरान मुझे कभी फील नहीं हुई। और जैमरॉन क्रिस्टल इस पर अटैच होने के बाद तो ऐसा लगता है कि इसका खुद का एक ब्रेन है। इस पर हॉगल उससे कहती है, तुम अपने माइंड से ये निकाल क्यों नहीं देते कार्टर? हमेशा कर्स को बीच में लाना जरूरी है क्या? इसके अलावा कोई चीजें दुनिया में है ही नहीं। इस पर वो कहता है, मैं इनमें इंटरेस्टेड हुई नहीं। जिस पर वो कहती है, लेकिन मैं हूँ, मैं न्यू मेमोरीज बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, न कि पुरानी फिर से दोहराने में। आगे हॉकमैन कहता है, लेकिन ये क्लॉज उसी से बने हैं जो एंथ मेटल हमें ताकत देता है, जो हमें एबिलिटीज प्रोवाइड करता है, या फिर उसी थेनागारियन शिप में जिसके अंदर ये पड़ा हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रहा है? और तभी दूसरी तरफ हम देखते है कि प्रिंस कुफू और चायरा के बोन्स को वो लोग एक थैले में बंद करते हैं और एक स्प्रे मारते हुए कहते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ट्रेस फ्लूइड अप्लाई हो चुका है, इस वजह से अगर हमारे पास से पैकेज चला भी गया तो भी हम इसे ढूंढ पाएंगे। और वो जेट पैक निकाल कर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, 10 मिनट में जेट पैक का फ्यूल खत्म हो जाएगा, तुम अभी कहाँ पर हो? तभी प्लेन में से एक पायलट कहता है, हम तुम्हें हमारे साइड पर मिलेंगे बेटा टीम, लेकिन अभी तुम्हारे पास फ्यूल से भी बड़ी प्रॉब्लम से वरी करने के लिए। और तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे हॉकमैन और हॉक गर्ल थे, और उन्हें देखते ही वो सभी लोग उन पर हमला करने लगते हैं और प्लेन की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन हॉकमैन और हॉक गर्ल उनसे कहते हैं, हमने तुमसे पोलाइटली पूछ कर देखा। और इतना कहते ही वो उनसे भी पर भी हमला करने लगते हैं। और तब वो उस बैग के अंदर देखते हुए कहते हैं, तो क्लॉ ऑफ हॉरस हमें उस तरफ ड्रॉ कर रहा है, तो देखते हैं इस बैग में क्या है। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस कुफू और चायरा की बोन्स रखे हुए थे। इस पर वो कहते हैं, ये तो हमारे सोल का फर्स्ट होम है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे लगा था कि ब्लैक लैंटर्न इवेंट के दौरान ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। लेकिन तभी उन लोगों में से एक उठकर एक ग्रेनाइट उनकी तरफ फेंकता है और वो दोनों ही धमाके के साथ दूसरी तरफ उड़ते है। यहाँ पर हॉक गर्ल को देखते हुए हॉकमैन कहता है कि शायरा नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर शायरा कहती है, चिंता मत करो, इतनी जल्दी तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते इस बार। और वो सोल्जर वहाँ के पायलट्स को मारकर अपने जेट पैक के साथ दूसरी तरफ उड़ने लगता है। यहाँ पर हॉकमैन और हॉक गर्ल दोनों ही उन लोगों को बचाते हुए उस प्लेन से वापस आने लगते है। और आते हुए हॉकमैन सोचने लगता है कि आखिर कौन ऐसा होगा जो हमारे उन बोन्स के लिए इतना ट्रबल और इतना पैसा खर्च करता होगा, क्या हम कभी उस किसी को ढूंढ पाएंगे? और तब हम देखते हैं साउथ अमेरिका में पेरुवन अमेज़न के अंदर, जहाँ पर हाथ सेट हमें दिखता है प्रिंस खुफू और चायरा के बोन्स के साथ, और उसकी पावर्स थी कंटिन्यूस रीइंक्रीनेशन पोजीशंस के थ्रू, जो कि उसने कई सालों से कंटिन्यू रखा था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी आदमी को जिसने लोगों को मार दिया था, और वो एक घर को तबाह करते हुए उसी के अंदर दाखिल होता है, और दूसरी तरफ निकलता है ब्लैक मांटा जिसकी आइडेंटिटी अभी अननोन है, लेकिन उसकी पावर्स है लिटल हाईटेक सूट, जो कि उसे अंडरसी एडेप्टेशन और एक वेपन आर्सेनल प्रोवाइड करता है। और वो एक्वामैन का नाम लेते हुए पानी से बाहर आता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।